बार हम किए रहते हैं। मट्टी नमकीन लाती जरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा परिणाम है छोटे को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही मैं अपने रूम से। और वो देखना कैसे देख रहे हैं छुप छुप के। तो फिर हम अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और हमारा नाश्ता पानी सब कुछ निपट चुका है। और अब मैं और बूढ़ा जा रहे हैं हॉस्पिटल। और जेठ जी शायद अपने कमरे में पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। और काजू जा चुकी है ड्यूटी, क्योंकि 7:30 बजे निकल जाती है, आप लोगों को पता है। और सासू माँ लेटे हुए हैं। तो चलो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। मैं भी फाइनली तैयार तैयार हो चुकी हूँ। और ये मेरे कपड़े कुपड़े सारे ऐसे ही पड़े हैं, थोड़ा इसे रख लेती हूँ वरना बाद में ऐसे ही रहेंगे। मेरी अलमारी में देखोगे ना ऐसी बिल्कुल जगह नहीं मिलेगा, ऐसे भरे पड़े कपड़े। अच्छी फिर भी मैं इनके पीछे लगी रहती हूँ कि मेरे पास अभी है नहीं कुछ। तो फिर अभी निकलते हैं। फिलहाल मैंने पहना है टॉप और नीचे से इसे कुछ बोलते हैं पर मुझे याद नहीं है। तो चलो देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कुछ छूटा तो नहीं। रिपोर्ट तो उन्होंने ले ली। ये देख रहे। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं। चल गई भाई जी हम बड़ी मुश्किल से भाई सासू माँ को देखते हैं। कह चला ठीक चल गया मैं टाटा। और ये हमारे कल्लू। और ये हमने सूट स्टैंड लिया कल ही लिया जेजिनो और इन्होंने मार्केट जाके। और मिक्सर भी लिया था, वो दिखाना भूल गई मैं, किसी दिन दिखाती हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है ना, ये हमने ना बाहर रखा था। ये स्टैंड हमने शाम को ही लगाया, काजू ने जोड़ा था ये और बाहर ही रखा था। और रात को इतनी तूफान हुई और वो पता क्या ऊपर से सीधा उस पर टायर और नीचे गेट तक पहुंच गया। तो चलो चलते हैं अभी। हेलमेट धारा पहन धारा हेलमेट कुछ नहीं दे रहा। तो मैं आपको मिलती हूँ रास्ते में, ठीक है। दोस्तों हम लोग निकलते हैं, मैं गेट खोल देती हूँ। आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा सा। रात को बहुत खतरनाक बारिश हुई। और स्टैंड बता दूँ मैं कहाँ से कहाँ गया। स्टैंड यहाँ से लुढ़क के सीधा यहाँ तक पहुँच गया। तो स्वामी जी ने कर ली गाड़ी स्टार्ट और हम निकलते हैं। निकले दोस्तों। मैंने इनसे बोला मुझे फूल चाहिए, तो ये तोड़ रहे हैं फूल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। इतने सारे फूल हो गए मेरे पास, मस्त वाले फूल। थैंक यू, थैंक यू बुढ़ा। गाल दे, गाल ही नहीं देती मैं। फाइनली हम लोग रायपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे स्वामी जी ले रहे हैं
फिर पियेंगे शरबत यानी कि नींबू पानी। अच्छे अच्छे छांट के रखो, भला भला रखा। ये रहा दोस्तों रायपुर रायपुर रायपुर। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आपको रास्ते का नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से हॉस्पिटल से मतलब 1 बजे घर में पहुँच गए थे। फिर ब्लॉग बनाने का ध्यान भी नहीं रहा मुझे, और फिर सासू माँ ने खाना बना रखा था, हमने खाना खुना खाया और फिर ये बैंक के कुछ काम से चले गए थे सासू माँ, जेठ जी और स्वामी जी। और मैं मेरे कपड़े थे सुबह के मेरे और स्वामी जी के मैंने वो धुले, फिर मैं सो गई थी दिन में आए। फिर खिड़की का कुछ काम था ना रह गया, वो जाली वाले खिड़की लगाने थे तो उसी के चक्कर से सोए नहीं बैठे। तो मैंने अब चाय बना दी, चाय दे देती हूँ सबको, है ना। ये हमारी चाय है मेरी, स्वामी जी की और जेठ जी की, और इस सासू माँ की कंडाली के पत्तों की चाय। देखो मैं देख रहा था तो दोस्तों चाय चुकी तो मैंने बांध दी, अब जाके चाय पीती हूँ। और स्वामी जी को तो चाहिए होता है कुछ ना कुछ चुटुक बुटुक चुटुक बुटुक बच्चों की तरह खाने के लिए, बिस्किट रखे हुए यही दे देते हैं। बादम खीरे नमकीन लाती जरा। दोस्तों मैंने बोला था ना स्वामी जी को बच्चों की तरह खाना चाहिए नमकीन बिस्किट, पता चल जा जाने तीजा के चुका बोल ले जाके। तो दोस्तों अब हम पी रहे हैं चाय, जादू मेरे हाथों में। तो दोस्तों आज सब्जी लेने दोनों भाई गए थे, चलो देखते हैं क्या क्या लाए। कुकड़ी को कुकड़ी, ये बहुत सारा चीज आ रखा हमारे लिए आज, मजा आ गया मजा आ गया। सीधा अंदर सीधा अंदर, कम 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 होएगा हालत खराब। हाँ सी हमारे खरीदा ये आम लाए, आम मेरा फेवरेट आम। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद बुनु स्वामी। भेजे का छोड़े पैदल आए किले। तो दोस्तों चलो देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं, चित हो गए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आए हैं आम, ये मैंने मंगाए थे, और ये आए आलू, और आलू भी छोटे ही छोटे ला रहे हैं काले। और ये है लौकी, कति छो मशरूम, अरे हद यार ये तो परिवार में आधा किलो तो नहीं आते जा रहे थे, 5 आदमी हम 3 आदमी में भी आधा किलो लेंगे। ये पाव भर दी मैंने, मटर बिछे दो भाई। हाँ तो और ये है टमाटर दोस्तों, और ये क्या है पालक, अच्छा इसकी धपड़ी बनानी है ओके। और कद्दू भी आ गया, कद्दू कद्दू, ये रहा कद्दू। और ये रहे भिंडी, और ये रहे करेले, और ये है खीरा, और ये रहे एप्पल। तो दोस्तों मैं अभी ने बताती हूँ कितनी सब्जी आ रखी क्या नहीं आ रखी, ठीक है समझाती हूँ मैंने डिटेल। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये सब्जी आ रखी है 2 दिन के लिए, देखते हैं कितना कितना होता है। तो दोस्तों काजू भी आ चुकी है, और किसी की बुराई हो रही है
शकल दिखा जा अपनी। ए गौरी आजा आजा। तो दोस्तों हम लोगों का खाना हो चुका है। एक काजू कितना सारा खा रही है कब से, और मैं तो सबसे आगे खा के। हाँ स्वामी जी ने बनाए थे आज बहुत टेस्टी सब्जी, मशरूम और मटर की, मजा। शॉर्टकट मारेगा भी। तो दोस्तों खाने में सबसे पहले मैं ही खाती हूँ खाना, और आप लोग मेरे शरीर को देख के भी समझ सकते हो, इसलिए मेरा शरीर ऐसा है। पर अब मेरा वेट कम हो गया, मैंने देखा। गधी। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने खाना खुना खा लिया है, और टाइम भी 10:15 हो चुका है, और स्वामी जी और जेठ जी घूमने जा रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रहे काजू? उधर चले गए, उधर वो दिख रहे हैं ना दो, मेरा हाथ किधर जा रहा पता ही नहीं चला, इधर यहाँ पे। तो दोनों घूमने चले गए, और मैं काजू मैंगो खा रहे हैं। आई लव मैंगो, मेरा सबसे फेवरेट फल है मैंगो। और सासू माँ मामा जी से बात कर रहे हैं। मेरा भी आप भी खाए, झूठा हो गया। तो फिर दोस्तों आपको मिलेंगे हम एक बहुत सुंदर ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलके शेयर कीजिए, और हमारा ब्लॉग देख के इंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, सॉरी, गुड मॉर्निंग। नहीं यार अब तो शाम का टाइम हो गया, 4 बजे देखोगे आप। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ये सीमू है, अरे हमारे काजू है, और आप सभी का भी है। क्या बोले? क्या बोले?